आप देख रहे हैं CN24। हरपुर बुधहट क्षेत्र के दो नाबालिग बच्चे खेलते समय हुए लापता। बच्चों को ढूंढने SSP पहुंचे कटसहरा गांव। गोरखपुर हरपुर बुधहट थाने के कटसहरा निवासी इंद्र बहादुर के बच्चे सुंदरी 10 वर्ष और लौकुश 5 वर्ष दोनों मंगलवार की शाम को अचानक गायब हो गए। काफ़ी देर तक बच्चों के घर न आने से परिजन परेशान होकर इधर उधर ढूंढने का सभी प्रयास किए। थक हार कर उन लोगों ने पुलिस को बच्चों के लापता होने की सूचना दी। हरपुर बुधहट थानाध्यक्ष ने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया। बच्चों के लापता होने की सूचना प्राप्त होते ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु पूरे दल बल के साथ कटसहरा गांव पहुंचकर नाबालिग बच्चों को गली मोहल्ले घर सहित तालाब नाला तलाश करते हुए बच्चों के तलाश के लिए टीमें गठित कर पुलिस और NDRF की टीमें लगा दी। SSP ने बताया है कि उनको घर वालों ने कहा है कि बच्चों की मां 6 माह पूर्व घर से कहीं चली गई हैं। उसी के द्वारा बच्चों को बहला फुसला कर अपने या अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा बच्चों को ले जाने की बात भी कही जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर बच्चों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। बच्चों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपया इनाम देने की भी घोषणा की गई है। थाना हरपुर बुराक में कटसहरा गांव पड़ता है, वहां पे इंद्र बहादुर नाम के व्यक्ति की दो बच्चे हैं नाबालिग, एक 10 साल की बच्ची है और एक 5 साल का लड़का है। ये दोनों घर से बाहर निकले खेलने के लिए, उसके बाद टहलते हुए बाजार के और निकल गए और वहां से वापस घर लौट के नहीं आए। 2 बजे घर न आने पर परिवार वालों ने गांव में ढूंढने के बाद लगभग 7-8 बजे के आसपास थाने पहुंचे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष CO और SP साउथ और मैं खुद SSP यहां पे मौके पर मौजूद है। हर एक गली हर एक घर हर एक सब जगह ढूंढ रहे हैं। अलग अलग टीम्स गठित करके बच्चों को बरामद करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। घर वालों के द्वारा ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है, उनके जो माँ हैं जो 6 महीने पहले घर से चली गई थी, उनके द्वारा या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बच्चों को बहला फुसला के ले जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है, तत्काल उसमें कार्रवाई किया जा रहा है और जो भी इन बच्चों की बरामदगी के संबंध में कोई भी हेल्पफुल सूचना देंगे उनको 25,000 के रिवार्ड पुलिस देगी। अलग अलग टीम गठित करके पूरी तरह से लगे हुए हैं और जल्द से जल्द बच्चे बरामद किए जाएंगे।